हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बधाई हो फादर्स डे की। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। ओके, आई होप जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स बाप हैं, आप प्लीज अपने बच्चों के साथ ये दिन एंजॉय करें, डेफिनेटली। ओके, और अब हम जो है वो देखते हैं कि आज का वीडियो जो है उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो मेन न्यूज है, ये मदर ऑफ ऑल क्रैशेस जो आने वाली है, जो माइकल ब्यूरी बोल रहे हैं, वो कितना जेन्युइन है। आई मीन, स्टॉक मार्केट के बारे में वो बोल रहे हैं, वो क्रिप्टो करेंसी में भी वो ऐसा बोल रहे हैं कि बिटकॉइन भी क्रैश करेगा, बट लेट्स सी के हाउ मच इट इज जेन्युइन। और कौन है माइकल ब्यूरी, और उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे हम लोग, अपने ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, इथेरियम के बारे में, ये सब जो है हम बात करेंगे। और बिटकॉइन के बारे में ढेर सारी बुलिश न्यूज भी है। ओके, क्या है वो न्यूज, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये मदर ऑफ ऑल क्रैशेस है क्या। ओके, तो जिन लोगों को पता है माइकल ब्यूरी कौन है, वेल एंड गुड। जिनको नहीं पता है, मैं आप लोगों को उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी है इनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर, द बिग शॉट, डेफिनेटली देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। माइकल ब्यूरी ने 2005 में बोला था कि ये जो हाउसिंग मार्केट है, ओके, या फिर ये जो बॉन्ड्स है, जो आप देखिए अमेरिका में वैसा बॉन्ड्स वगैरह का फंडा है, विच इज मोर सेफ इन्वेस्टमेंट। तो काफी सारे बैंक्स या फिर ये पेंशन प्लान या फिर जो लोग अपने रिटायरमेंट प्लान करते हैं, वो लोग बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते थे क्योंकि वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती थी। तो इन्होंने तब क्या बोला कि यार, इन्होंने काफी रिसर्च भी की और उन्होंने देखा कि काफी सारा जो है वहां पे घोटाला भी हो रहा था। अभी बॉन्ड्स जो है वो ऐसा अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं और बुरी क्वालिटी के भी होते हैं, जिनको जंक बॉन्ड्स बोला जाता है। बट लोग बिना रिसर्च किए जंक बॉन्ड्स को भी एक ट्रिपल ए बॉन्ड, मतलब अच्छे बॉन्ड की ही कैटेगरी में डाल रहे थे और लोग उसे खरीद भी रहे थे। तो वही है, अगर आप देखिए, आप एक बुरी चीज खरीदेंगे एक अच्छे पैकिंग में भी, तो वो एट द एंड ऑफ द डे तो वो चीज खराब ही निकलनी है। तो इन्होंने वही बोला, और इन्होंने 2005 में बोला कि मार्केट जो है वो गिरेगी, एंड इन्होंने शॉर्ट किया भर भर के। आई थिंक इन्होंने कुछ 1.5 1.3 बिलियन डॉलर्स का जो है वो बॉन्ड्स को शॉर्ट किया। ओके, और आप सबको पता है कि 2007 2008 में क्या हुआ, और इन्होंने ऑलमोस्ट 500% का वहां से जो है वो प्रॉफिट बनाया था। और अभी भी इनका मानना यही है कि यार, ये जो मार्केट उसका टाइम आ गया है, ओके, और स्टॉक्स और क्रिप्टो ये सब कुछ जो है वो क्रैश होगा। ओके, अब मैं इनकी बात से यहां तक अग्री करता हूं कि स्टॉक मार्केट जो है वो डेफिनेटली क्रैश होना चाहिए, और उसकी वजह बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मतलब ये मैं दो खुद मार्च के टाइम से देख रहा हूं। आप देखिए, मार्च में मार्केट क्रैश हुआ। ओके, और मार्केट जो क्रैश हुआ वो हम सबको पता है क्यों हुआ, लेकिन वहां से इकोनॉमी कितना ऊपर गया, कहीं नहीं, बट मार्केट अगर आप देखेंगे तो बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो आसपास 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे जिनके पास नौकरियां ही नहीं है। तो किस बेसिस के ऊपर ये मार्केट ऊपर जा रहा है, कौन है जो मार्केट में पैसा लगा रहा है, राइट? तो इसीलिए ये जो मार्केट है, मुझे भी लगता है ये फेक है। ओके, अभी हर जगह पैसा प्रिंट हो रहा है, वो मार्केट में डाला जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कब तक प्रिंट करेगी? ओके, और अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, तो यूएस डेप्ट काउंटर है, आई थिंक, या शायद कुछ ऐसे ही वेबसाइट है एक, डेप्ट क्लॉक या कुछ ऐसा शायद, एक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 28 ट्रिलियन डॉलर्स जो है उतना डेब्ट है यूएस के ऊपर ही, 28 ट्रिलियन डॉलर्स। अभी ये 6 ट्रिलियन डॉलर और प्रिंट करने वाले हैं। ओके, और ये आई डोंट नो ये कितना जेन्युइन है या नहीं, ये 1.133 ट्रिलियन डॉलर्स दिखा रहा है, आई डोंट नो हाउ जेन्युइन दिस इज। लेकिन आप वही देखिए, जब इतना अगर आप देखेंगे कि एक कंट्री के ऊपर ही इतना डेब्ट है, कैसे वो अपना डेब्ट जो है वो पूरा करेंगे? ये देखिए, 28 ट्रिलियन डॉलर्स, और इतना डेब्ट होने के बाद भी कंट्री की जो इकोनॉमी है भैया, वो ऐसे है एकदम ऑल टाइम हाई। अभी अगर आप इसको ये वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ये है यूएस मार्केट का चार्ट,
तो ये डेफिनेटली ये बर्स्ट होना ही है। और अभी अगर आप देखेंगे, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, मार्केट तब नीचे नहीं जाता है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, मार्केट तब नीचे जाता है जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ओके, और ये सिर्फ यूएस मार्केट में नहीं होगा, ये इंडियन मार्केट में भी होगा। अगर हम हमारा सेंसेक्स देखते हैं तो आप देखिए, मतलब कहाँ है हम लोग, ऑल टाइम हाई भाई, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। तो एक बहुत ही अच्छा खासा हमें करेक्शन चाहिए और वो आएगा भी। ओके, और जब यहाँ क्रैश आएगा, ओके, हम लोग यहाँ से, मैंने आपको हमेशा बोला हमें कहाँ बाय करना है, 0.618 या 0.786। तो 0.618 कहाँ है, 36,000 के पॉइंट के ऊपर। तो मतलब ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से जो है वो 40%, 40-45% क्रैश करने वाला है। ओके, और वो करेगा ही, वो चाहे अभी ना करे लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको ये क्रैश मिलने ही वाला है, 1 या 2 साल के बाद। वजह मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी। ओके, तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मार्केट क्रैश होगा। अब देखिए, अब स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, अगर ये सेंसेक्स क्रैश होता है तो ऐसा तो है नहीं कि एक दो स्टॉक्स क्रैश होंगे, सब बुरे तरीके से क्रैश होगा, क्योंकि सब चीजें इन्फ्लेटेड है। आप देखिए, हर चीज में पैसा वैसा ही घूम रहा है, तो वो पैसा जो निकलेगा वो एक ही बार में हट से सब जगह से निकलने वाला है। ओके, तो जब स्टॉक्स क्रैश करेंगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या है, अभी इन्वेस्टर्स का काम तो यही है ना कि भैया हमको तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना ही है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी, या तो आपके पास ये रिटेल, सॉरी क्या बोलते हैं उसको यार, ये आपके पास यहाँ प्रॉपर्टीज है, आई एम सॉरी, हाउसिंग है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर तीसरा जो डिफ्लेशनरी एसेट है जिसको आप सॉरी इन्फ्लेट नहीं कर सकते, वो है क्रिप्टो, बिटकॉइन, राइट? अभी भी अगर आप देखिए तो कितना क्रैश आया, लेकिन सबसे पहले रिकवर कौन किया, आईटी टेक्नोलॉजी, और आईटी अभी भी चल रहा है। मतलब आईटी वालों की नौकरियां नहीं गई है, उल्टा उनके लिए तो नौकरियां और बढ़ गई है ये कोविड की वजह से, क्योंकि सब लोग घर से काम कर रहे हैं, और मतलब उनको तो कहीं से भी अभी नौकरी, एक लैपटॉप ही चाहिए काम करने के लिए, राइट? तो इसीलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है यही आगे जाके सस्टेन करने वाली है, बाकी कुछ नहीं। ओके, और बिटकॉइन ऑलरेडी क्रैश कर चुका है, आपने ऑलरेडी देखा, ये सेंसेक्स है या S&P आपने देख लिया है यूएस का, और यहाँ पे सेम हमारा जो है वो बिटकॉइन भी है, सब बढ़ रहा है, ये क्रैश हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं ये सब बिके। अभी काफी लोग, अभी ये माइकल ब्यूरी जो है वो बोल रहे हैं कि ये एक हेड एंड शोल्डर है, और ये हेड एंड शोल्डर जो है उसका टारगेट हमेशा जो है वो हेड का रहता है, तो दैट इज वॉट ही इज थिंकिंग, दैट इज वॉट ही इज सेइंग, आई डोंट बिलीव इट। ओके, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं तो पैसा डालना ही है ना, तो मैं ऐसा तो करूंगा नहीं कि यार ये अगर ऐसा क्रैश हो रहा है तो मैं मतलब कहीं पे भी पैसा ना लूं और करेंसी में ही रहूं। करेंसी में रह के तो कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे मुझे ऑलरेडी दिख रहा है $28 ट्रिलियन का इनके ऊपर ऑलरेडी डेप्थ है, तो मेरे पैसे की वैल्यू तो ऑलरेडी गिरती जा रही है, राइट? अगर आप रुपीज भी देखेंगे, INR to USD भी देखेंगे, तो कब, अभी थोड़े टाइम पहले 50 रुपए का होता था, आज से 5-7 साल 8 साल पहले 60 रुपए भी मैंने देखा है, अब आज देखिए वो 72 या 74 रुपए है, 74 रुपीज, तो मेरे रुपए की भी वैल्यू गिर रही है, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में मुझे वो करेंसी होल्ड करके मिलेगा क्या? हाँ, मुझे कुछ चाहिए मेरे घर खर्चे के लिए, लेकिन जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा वो FDs या बैंक्स में नहीं होगा। और मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, आप डेफिनेटली ये मूवी, जैसे मैंने आपको बोला था, बिग शॉट देखिए, बैंक्स जो होते हैं वो सबसे बड़े चोर होते हैं, सबसे बड़े चोर। ओके, और आपने हमेशा देखा PNB में कितने का घोटाला हुआ, राइट? SBI में घोटाला हुआ, कितने बैंक्स में आप देखिए ऐसे घोटाले होते हैं, तो वो तो आपका पैसा ऑलरेडी खाते ही है, तो वहां मैं FD लेके तो मेरा पैसा अगेन फंसाऊंगा नहीं। तो मेरे लिए बेस्ट एसेट कौन सा है, बिटकॉइन ही, और मैं वो डेफिनेटली बाय भी करूंगा, होल्ड भी करूंगा। क्रैश करता है, नीचे जाता है, तो मेरे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है यार, मैं तो आज से ही पैसा साइड पर रखना शुरू कर रहा हूँ, भैया तुम क्रैश लाओ तो सही, हमको खरीदना है, हमें मार्च में मौका नहीं मिला, अब हमें मौका मिलेगा तो हम भर भर के खरीदेंगे। लेकिन जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तब ये नहीं होता है। और अगर आप सोचेंगे कि हाँ यार ये होने वाला, अभी मैं जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने 2005 में मार्केट को शॉर्ट किया था, क्रैश होते होते 3 साल लग गए, राइट? हम लोगों ने 2020 में क्रैश देख लिया है,
उसका इम्पैक्ट या फिर ये जो इनके मनी प्रिंटिंग का रिवर्स इफेक्ट था वो ये था। ओके सॉरी ये नहीं है तो अपना बिटकॉइन है, थोड़ा बहुत इफेक्ट इस पे भी है, ये है इफेक्ट। ओके तो अब इसका भी रिजल्ट आते आते शायद 1 या 2 साल और लगेंगे। ओके और इनका कहना यही है, जो लास्ट फेस होता है ना, जैसे अभी मैंने आपको बिटकॉइन में बताया, आप खुद देखिए बिटकॉइन का साइकिल कैसे स्टार्ट हुआ। बिटकॉइन पंप हुआ, इथीरियम पंप हुआ, इथीरियम की तरह बाकी के लार्ज कैप्स पंप हुए, फिर मीडियम कैप हुए, फिर स्मॉल कैप हुए, लास्ट में क्या हुआ, शिबा टोकन, स्कैम टोकन, फलाना फलाना टोकन, वो सब जो है एक एक दिन में 500 500 600 600% का जो है आपको गेन्स दे रहे थे। उस गेन्स के बाद क्या हुआ, मार्केट और बुलिश हुए, सब लोगों ने और पैसा डालना शुरू हुआ और सीधा 2 ही दिन में 50% का क्रैश। अब भी क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो ये सब आपको पता है, ये स्टॉक का आप लोगों ने सुना है राइट। ये स्टॉक मार्केट का आप देखिए, कहां आपने स्टॉक मार्केट में एक दिन में किसी स्टॉक को 700% ऊपर जाते देखा है, किस किस स्टॉक को आपने देखा है। ओके और सिर्फ एक ये नहीं, उसके बाद ये दूसरा है, ये देखिए सॉरी वो वीकली कैंडल था। ओके तो वो वीक का टाइम था, अब ये देखिए 500%। तो ये कौन सा फेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या ऊपर गया, बड़े स्टॉक। ओके ये था हमारा बिटकॉइन। ओके बिटकॉइन के बाद क्या ऊपर गया, मीडियम वाले स्टॉक्स। ओके अभी जैसे मैं आपको एएमडी दिखाता हूँ राइट, ये भी अच्छा स्टॉक है ये। ओके और अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे मीडियम स्टॉक्स थे जो ऊपर गए। अब लास्ट में ऊपर कौन से स्टॉक्स जा रहे हैं, ये स्टॉक्स। ओके तो इसीलिए मैं आपको बता रहा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा वो बोल रहे हैं वो काफी उस हद तक उनकी बात में सच्चाई है। ये तुम्हारा जो है अब ये लास्ट फेज आ चुका है जहां पे ये पपलू चपलू सब जो है ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ओके इसके बाद जो होने वाला है वो मैंने आपको बताया, S&P या सेंसेक्स, मेरा बाइंग जोन हमेशा 0.786 पे रहेगा और मैं वहीं पे बाय करने वाला हूँ। ओके चाहे मुझे 1 साल वेट करना पड़े, चाहे मुझे 2 साल वेट करना पड़े, बट नहीं, मैं मेरा पैसा बर्बाद नहीं करूंगा, तब तक कैश पे रखूंगा राइट। नहीं तो अगर मुझे FDs भी करने, तो मैं बैंक को नहीं दूंगा, प्राइवेट FDs भी होते हैं जो आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, तो क्यों नहीं उनको पैसा दिया जाए राइट। सो मेक श्योर के आप भी डेफिनेटली अपना रिसर्च करें और ये मूवी जरूर देखिए, ये आपको काफी चीजें समझाएगी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। ओके तो चलिए आज का अपना कॉइन मार्केट कैप भी देखते हैं, आज भी हम लोग जो है वो काफी साइडवेज है, 0.47% का जो है वो डिक्रीज है, 1.49 ट्रिलियन डॉलर्स है, विच इज प्रेटी फाइन। बिटकॉइन देखिए अच्छा खासा डिप हुआ था, तो चलिए अभी हम लोग हमारा बिटकॉइन भी देख लेते हैं। तो बिटकॉइन अगर हम 4 आवरली पे आ जाइए तो अभी भी एक पैरेलल चैनल है जो हमने कल देखा, वो उसके मिडल लेन से हम लोग नीचे गए, वापस से बाउंस बैक हुए, अभी वही जो मिडल लेन है वो रेजिस्टेंस है। ओके तो अगर हम इसे क्रॉस नहीं करते हैं तो होपफुली हम लोग फिर से शायद 30,000 के दाम को टच करें, बट अगेन वो हमारा बॉटम ऑलरेडी आ चुका है तो डरिए मत। ओके तो हम 30,000 को टच करें और वापस से ऊपर की तरफ 41,000 की तरफ फिर निकल जाएंगे। ओके और जैसा कि हमने बोला है कि जुलाई मंथ में काफी बुलिश न्यूज है, उसके अलावा और भी काफी न्यूज है। आप देखिए नवंबर में 98K को सरपास करेगा बिटकॉइन स्टॉक टू फ्लो मॉडल के हिसाब से। ओके और भी ढेर सारी न्यूज है कि एलॉन मस्क और चाइना भी रोक नहीं सकते बिटकॉइन को 135,000 डॉलर्स पे जाने के लिए। ओके और ये तो आपने डेफिनेटली देखा ही है, अब ये और जो है एक फियर बढ़ता ही जा रहा है मार्केट में, और ये बहुत जरूरी है ताकि जो वीक हैंड्स है वो छोड़े बिटकॉइन और अपना पैसा लेके बाहर निकले, और जब एक बार वो निकलेंगे तो मार्केट वापस से जो है ऊपर जाना शुरू करेगा और ये लोग फिर से वापस आएंगे 70,000 या 80,000 डॉलर्स के दाम के ऊपर, जब फिर से एक करेक्शन आएगा। तो काफी अच्छा है टाइम अभी। ओके लेकिन मैं वही कहूंगा कि ऑलवेज आपके पोर्टफोलियो में जो है वो 20 से 25% कैश रहना ही चाहिए, मतलब जितना अगर आपका पोर्टफोलियो 100 रुपए का है तो 25 रुपए हमेशा कैश होना चाहिए हमेशा। ओके और वो क्यों हमेशा होना चाहिए और कैसे उसको हमेशा रखना है, वो सिर्फ क्रैशेस के लिए,
मान लीजिए आपने बिटकॉइन जो है वो 35,000 या 36,000 पे खरीदा, वो क्रैश किया, ओके आपको पता है कि यार ठीक है ये एक सपोर्ट है, मैंने एक सपोर्ट और बना लिया है, यहाँ आया आपने वापस बाय किया, फिर ये ग्रीन जो एरिया आपको मिला था वहां पे आपने प्रॉफिट ले लिया, ओके। लेकिन इस केस में आपका क्या हुआ, 36,000 और 30,000, तो आपका बाइंग जो था वो 33,000 आ गया और आपको 3,000 का तो जो है यहाँ से प्रॉफिट मिल गया, तो वापस से आपका कैश बन गया, राइट। अभी आप फिर से उसको होल्ड करके बैठे, जब वो डिप होगा तो आप बाय करें। इसीलिए कैश हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखें, ओके। इथेरियम हमारे बाइंग जोन को टच करके आया, एक्चुअली दूसरे बाइंग जोन के पास भी गया था 2031, उसने हमारे ये बाइंग जोन को टच नहीं किया, तो ये ऑर्डर फिल नहीं हुआ, बट इट्स स्टिल फाइन, ये वाला फिल हो गया और हम लोग वापस उसके ऊपर आ चुके हैं, ओके। और बाकी के अगर हम लोग ऑल्ट कॉइन्स देखें तो आज भी जो है वो मार्केट अच्छा खासा क्रैश हुआ था, बट धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। सुशी 10% फिर से ऊपर है, वेव्स अच्छा खासा रिकवर हो गया है, रून ये काफी क्रैश हुआ था इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसमें गेम भी जो है वो वापस अच्छा हो आ रहा है। वाईफाई अभी भी 35-36 हजार डॉलर पे है। आप देखिए, अब आप सोचेंगे कि यार ये मार्केट इतना बुरा है, ये 36,000 डॉलर्स पे है, ये 70-80 तक गया था, बट मुझे खुद याद है ये वाईफाई मैंने 7,000 डॉलर्स में उठाया था जब क्रैश आया था इसमें, और वो मार्च में नहीं, उसमें उसके बाद क्रैश आया था। सॉरी ये चार्ट थोड़ा क्लमजी है तो मैं इसे थोड़ा क्लीन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ओके। तो ये देखिए 96,000 डॉलर्स तक, बट ये यहाँ पे ये 24,000 है ना, मुझे याद है यार 7,000 का मैंने तब वहां पे ही उठाया था इसे, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ था वो क्रैश। ये फर्स्ट इसका पीक आया था यहाँ 39,000, और उसके बाद यहाँ देखिए अक्टूबर में, अक्टूबर और अक्टूबर भी नहीं, नवंबर, नवंबर में 7,000 डॉलर्स पे आया था और अभी भी 36,000 डॉलर्स पे है। तो जिन लोगों ने 7,000 पे लिया हुआ है उनको तो भैया क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। 7,000 नहीं, तुमने 10,000 में भी लिया है तो तुम देखो तुम ऑलरेडी कितना ऊपर हो, ओके। इसीलिए जब तुम्हारे अच्छे, जिन प्रोजेक्ट्स में तुम्हें विश्वास है, ओके, जिन प्रोजेक्ट्स पे तुम्हें बहुत विश्वास है कि हाँ यार ये कुछ तो अच्छा करेगा, और उसमें अगर क्रैश आता है तो वो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, वो बाय करने वाली बात है। अब मुझे नहीं लगता ये वापस 7,000 डॉलर्स पे जाने वाला है, तो चाहे मैं आंखें बंद करके भी इसको अपने वो वॉलेट में छोड़ दूं तो मुझे पता है यार ये एट द एंड ऑफ द डे ऊपर ही जाएगा। इतने क्रैश के बाद भी अगर मेरा पैसा जो है वो 3-4 गुना हुआ हुआ है, तो आप देखिए जब मार्केट रिकवर करेगा तो ये कितना ऊपर जाएगा, राइट। इसीलिए हमेशा वेट करें। ये ऐसा जैसे देखिए यहाँ पे कितने फोमो किया होगा, अरे यार ये 500 से देखिए कहाँ चला गया, गया लेकिन ठीक है, अभी तुम्हें वहां बाय नहीं करना है, तुम्हें कहाँ बाय करना है, रुको, अब तुम सिर्फ वापस से अपना फेब उठाओ, यहाँ जाओ उसके हाई पे जाओ, तुम्हें तुम्हारा बाइंग जोन पता है, यार ये मेरा बाइंग जोन है 11,000, ओके, और 11,000 से नीचे आ गया तो और बढ़िया, लेकिन तुमने अगर 11,000 पे भी लिया होता तो अभी भी तुम्हारा पैसा जो है वो 3 गुना होता, राइट। सो इसीलिए वेट करो, हर चीज में वेट करो, और जैसा कि मैंने आपको बोला अगर मार्केट क्रैश आता है तो आप स्टॉक्स भी अच्छे खासे उठा सकते हैं जो बड़ी कंपनियों के हैं, सो कीप योर मनी असाइड, ओके। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ओके। अरे हाँ, जाने से पहले एक बात और, डॉज कॉइन, ओके, तो ये जो डॉज कॉइन है ये एसेट ऑफ द ईयर है, सेज क्रिप्टो एक्सचेंज सीईओ, ओके। और ये अगर आप देखें तो डेफिनेटली मैं मानता भी हूं कि डॉज ने अच्छा खासा किया भी है इस पूरे साल में काम, ओके। और जो इनके 29 ईयर ओल्ड, यहाँ देखिए 29 ईयर ओल्ड बिलियनियर सीईओ ऑफ क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज FTX, वो बोल रहे हैं कि डॉज कॉइन जो है वो एसेट ऑफ द ईयर है, ओके। और क्यों है वो भी आप डेफिनेटली यहाँ के पढ़ सकते हैं, बट इसने अच्छा खासा गेन लोगों को दिया है, राइट। और इलॉन जो है वो अभी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये टॉप 10 में अपनी पोजिशन बना के बैठा है, और मार्केट कैप भी इसका जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और होल्डर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब लोग बेचना ही नहीं चाह रहे डॉज को, ओके, अभी भी टॉप 6 में है वो, राइट। तो ये भी एक अच्छा एसेट है जिसको आप डिप में खरीदने का सोच सकते हैं, ओके। और लास्ट 3 मंथ में अभी भी 500% का जो है गेन इस टोकन ने दिया है, ओके। तो चलिए अब फाइनली, हाँ मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी सवाल रहे, कोई भी आपके दिमाग में ऐसा रहे कि यार ये मुझे नहीं समझा वो नहीं समझा, तो प्लीज हमारे वीडियो पे कमेंट करें, हम लोग डेफिनेटली आपको उसका जवाब देंगे। अगर आपके किसी टोकन का भी एनालिसिस करना है तो वो भी आपको करके देंगे,
ओके तो चलिए आपसे कल मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच।